हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे कर सकते हैं और इसको पीडीएफ में, जेपीजी में, मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। जिस तरह आप कंप्यूटर्स में प्रिंटर से स्कैन करते हैं, करवाते हैं, और डॉक्यूमेंट बहुत ही साफ़ सुथरा आता है और पढ़ने में आता है, तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि मोबाइल से किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लियरली स्कैन कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है एडोब स्कैन जी ऐप, इसको आपको ओपन कर लेना है। डालने के लिए आप कैमरे से स्कैन कर सकते हैं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया है, स्कैन कर लिया था मैंने। क्या करना दोस्तों, आपको जिस तरह का आपके सामने सर्टिफिकेट आएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिल्टर, फिल्टर पर आप क्लिक करेंगे। आप इसको ओरिजिनल में स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट ठीक रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको सेव जेपीजी पीडीएफ में क्लिक कर देना है। जैसे पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, साइन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप इससे बहुत ही क्लियरली स्कैन होता है, आप किसी को भेज सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से स्कैन होगा। तो आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।